गाइस बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्राडे गाइड शिवांश भसीन पे। सो गाइस मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने कर दिया है रिजाइन। चुनावी नतीजे आने वाले हैं कल, और तीन चुनावी नतीजे जो कि हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के हैं। और अभी भी मुश्किलें बनी पड़ी हैं कि राजस्थान तो जा चुका है कांग्रेस के पास, जिस तरीके से लग रहा है पूरे तरीके से जा चुका है। मध्य प्रदेश और अगर छत्तीसगढ़ में अगर बीजेपी नहीं बनती है, या अगर दोनों पे नहीं जीतती है बीजेपी, तो मार्केट इसे बहुत ज्यादा नेगेटिवली तरीके से ले सकती है। और आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा क्यों दिया, क्या असल कारण था, क्या निजी कारण जो आरबीआई गवर्नर की तरफ से बताया जा रहा है वो था, या कोई बीजेपी का हाथ था या बीजेपी का फोर्स था जिसकी वजह से आरबीआई उर्जित पटेल को यहाँ से इस्तीफा देना पड़ गया था, तो पूरी वीडियो की बात हम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो आरबीआई वर्सेस गवर्नमेंट थी उसके बीच में क्या लड़ाई थी, और किस वजह से ये रिजाइन की बात स्टार्ट हुई थी, क्यों इस्तीफा देने की बात इनके मन में आई थी जो इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था, जब आजाद हुआ था हमारा भारत देश, तो उसके बाद अभी तक कहीं पर भी सेक्शन 7 नहीं लगाया गया था। अगर मैं आपको बताऊं, सेक्शन 17 आरबीआई का 1934 का इंडियन एक्ट है, तो सेक्शन 17(1) में कहा गया है कि अगर मैं आपको स्टार्च में बताता हूं, तो गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि हम आरबीआई के डिसीजंस में इंटरफेरिंग कर सकते हैं। हम बोल सकते हैं आरबीआई को कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो भी आरबीआई डिसीजंस लेगी वो गवर्नमेंट से पूछ के लेगी, और गवर्नमेंट उस आरबीआई या गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक को कंट्रोल कर सकती है। इसका मतलब ये हो गया है कि गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक के अंदर घुसना चाह रही थी, अब उसमें अपना पूरा कंट्रोल लेना चाह रही थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि देश का भला होगा, पर ऐसा नहीं हो सकता था। दूसरी बात जो आरबीआई उर्जित पटेल को बहुत बुरी लगी थी कि गवर्नमेंट ने बोल दिया था कि हम एक अलग अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाए, हम एक अलग अपने तरीके का बनाएंगे जिसमें हम अपना जो पेमेंट सिस्टम है, क्योंकि जो भी अभी इंडिया के अंदर पेमेंट सिस्टम चल रहा है वो सारा सेंट्रल बैंक ही संभाल रही है, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हमारे एक अलग बोर्ड बनेगी जो एक ये पेमेंट सिस्टम संभालेगी, अब से आरबीआई ये पेमेंट सिस्टम नहीं संभालेगी। तो वहां पर भी उर्जित पटेल ने सबसे पहले ही हाथ उठाया था कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, सिर्फ वोटिंग राइट्स होगी। और जो मेन रीजंस निकल के आ रहे हैं जिसकी वजह से उर्जित पटेल परेशान होकर रिजाइन कर चुके हैं, वो ये है कि सबको पता है कि जो आखिरी डिसीजन होता है बोर्ड का वो होता है आरबीआई गवर्नर का, यानी कि जो अभी आरबीआई गवर्नर थे उर्जित पटेल का, उनका ही आखिरी डिसीजन होता है। पर गवर्नमेंट ने बोल दिया था जो वहां पर बोर्ड बैठे होते हैं, जो सलाह दे रहे होते हैं, उसकी मेजोरिटी जो होगी वही आखिरी डिसीजन होगा। और गाइस जो बोर्ड बैठे होते हैं वो बोर्ड को चुनियुक्त कौन करता है, वो करता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट वो बोर्ड बनाती है। तो अगर बोर्ड ही सारा डिसीजन लेने लग जाएगी, मेजोरिटी में चली जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि उसे कंट्रोल कौन करेगा, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल करेगी, और आरबीआई गवर्नर के हाथ में कुछ भी नहीं रह जाएगा। आरबीआई गवर्नर से डिसीजन मेकिंग छीना जा रहा है, तो उसकी वजह से एक मेन रीजन था कि उर्जित पटेल को रिजाइन करना पड़ गया था। निजी कारण कोई भी नहीं हम कह सकते, क्योंकि निजी कारण इस बड़ी पद को छोड़ने के लिए आम बात नहीं होती है। तो अब इसमें मार्केट में सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या रह सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कल चुनावी नतीजे आने वाले हैं तीनों जगहों के, और अगर बीजेपी दो जगह नहीं बनती है, जिससे हमें लग रहा है कि राजस्थान में तो नहीं बनेगी, अगर दोनों में से किसी एक जगह में बनती है और दो जगह में हार जाती है, तो सबसे बड़ा शेयर मार्केट में बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है, उसकी वजह से मार्केट और गिर सकती है। मैंने आपको चार्ट्स में पहले ही बता दिया था, यानी कि आपको मैंने परसों ही बता दिया था कि मार्केट एक स्ट्रांग सपोर्ट की ट्रेंड लाइन को तोड़ने वाली है और वहां से नीचे जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि आज ये न्यूज भी आ गई, और मुझे लगता है कि कल की मार्केट में वो ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगी। वो वीडियो अगर आपको देखनी है तो इस वीडियो की आखिरी में भी आपको वो शो कर जाएगी, उसे देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आपको आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि जैसे ही आरबीआई गवर्नर ने अपना इस्तीफा दिया और अपनी कुर्सी को छोड़ा, हमने देखा कि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो बहुत तेजी से बढ़ने लग गए। बॉन्ड यील्ड्स उसकी वजह से हमने देखा जो यूएस डॉलर है, जो हमारी इंडियन रुपीज है, वो डिप्रिशिएट करने लग गई, और ये सारी चीजें हैं 72 के ऊपर चली गई है हमारी यूएस डॉलर, तो वो हमारी मार्केट के लिए बहुत बुरी बात है। जो करंट अकाउंट डेफिशिएट है वो बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ रहा है। आरबीआई ने सिर्फ ये कहा था कि जो भी बैंक्स है, जिन बैंक्स में भी सबसे ज्यादा एनपीए है, वो इंटरेस्ट देना यानी कि लोन देना बंद कर देगी लोगों को, और सबसे पहले जो उनका एनपीए है, जहां से उन लोगों ने उधार जिनको जिनको दिया है, वो सबसे पहले वहां से कलेक्ट करेगी। और ये बात गवर्नमेंट को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और उसमें भी उन्होंने पाबंदी लगा दी कि ये ऐसा नहीं होगा।
तो ये सारी परेशानियां झेल झेल के, सारी गवर्नमेंट की जो इंटरफेरेंस हो ही जा रही थी उसकी वजह से इस्तीफा देना पड़ गया था उर्जित पटेल को। ये एक असली रीजन है, जो एक असली कारण है। अभी भी गवर्नमेंट सिर्फ ट्विटर पे ही सामने आ रही है, असल में कॉन्फ्रेंस में नहीं सामने आ रही है। तो ये हम कह सकते हैं कि असल में जो रीजन बनने हुए देख रहा है, जिस तरीके से जो मीडिया कह रही है और हर चीज कह रही है कि बीजेपी का ही हाथ है, जिसकी वजह से उर्जित पटेल को जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ गया था या मजबूरन इस्तीफा देना पड़ गया था। अब हमें देखना है कि आरबीआई गवर्नर कौन बन सकता है, किस तरीके से जो डिप्यूटी गवर्नर है अभी पहले वो कंट्रोल करेगा, क्योंकि जो असली आरबीआई गवर्नर था वो तो जा चुका है। तो अब डिप्यूटी गवर्नर जो है वो अभी इस कुर्सी को संभालेंगे। और अभी एक और शख्स जो प्रधानमंत्री के पास गए हैं, कार्यालय में गए हैं, तो हम देख सकते हैं कि वो भी एक इम्पैक्ट डाल सकता है कि अब वो लोग अपना खुद का आरबीआई गवर्नर चूज करें और कुर्सी में बिठाए। तो बहुत सी ऐसे डिसीजंस हैं जो मीडिया में फैली जा रही हैं, बातें जो हो ही जा रही हैं। तो सारी लेटेस्ट अपडेट्स के साथ मेरे इस चैनल में बने रहिएगा, जो न्यू मार्केट में इंपैक्ट पड़ सकता है, कल निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, वो सारी अगर आपको जानकारी चाहिए, जो आपको चार्ट के बारे में जानना है, वो आज वीडियो कि आखिरी में वो वीडियो आपको शो कर जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा शुरुआत में ही। तो इस चैनल के साथ बनी रहेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा कि अभी जो चुनावी नतीजे हैं, जो ये रीजन आया है, और सबसे बड़ा रीजन जो कल मार्केट को एक और गिरा सकता है वो है ब्रेग्जिट की वोटिंग। जो ब्रेग्जिट है वहां पर हम देख रहे हैं कि वोटिंग चालू होने वाली है, और अगर ब्रेग्जिट उसके साथ नहीं जुड़ पाता है तो भी हमारी मार्केट एक सबसे ज्यादा फॉल ले सकती है। तो बहुत सी नेगेटिव न्यूज़ आने वाली हैं कल, और हमें मार्केट को संभाल के रखना है। तो अभी हम यही सोच के चल रहे हैं कि कल हम कोई भी ट्रेड ना ले, अगर हम ट्रेड लेते हैं तो सारे सेल साइड में ही ट्रेड होने चाहिए, शायद मार्केट गिरने के बाद रिकवर तुरंत कर जाए और मार्केट एक फूल बना जाए। तो गाइस कुछ भी हो सकता है, कल की कल स्ट्रेटेजी हम बनाएंगे। तो अगर आपको जानना है कि कल कौन से शेयर बढ़ने वाले हैं, क्या कौन से शेयर घटने वाले हैं, क्या मार्केट की कल की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, तो वो अगली वीडियो भी मैं आपके साथ जल्द लेने आ रहा हूँ, और अभी 2 घंटे में वो वीडियो भी अपलोड हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल के सब्सक्राइब बटन को दबा के बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको वो लेटेस्ट अपडेट वीडियो जो आने वाली है उसका लिंक और उसका आपको पता चल जाए कि वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। सो गाइस ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से सेक्शन 7 था, जो पेमेंट सिस्टम था, जो गवर्नमेंट का मेन इंटरफेरेंस था, जिसकी वजह से आरबीआई गवर्नर ने इस्तीफा दिया है। तो अगर आपको इस चैनल बने रहना है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियोस हमेशा मिलती रहेंगी। तो मैं शिवांश भसीन मिलता हूँ आपसे कल नई अगली वीडियो के साथ। साइनिंग ऑफ।